तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। मानव और कौन? रिया। मानव ना छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता है। इतना ग्रैंड, इतना लेविश सरप्राइज वो सोच ही नहीं सकता। मानव नहीं हो सकता। अच्छा। या। देख, शैतान का नाम लिया और शैतान हासिल। फोन क्यों काट रही हो? ये शैतान हमेशा तेरी खुशियों के बारे में सोचता रहता है। हाँ, पर मुझे आज ना इसके बारे में सुनना है और ना सोचना है। मैं श्रिया के साथ बाहर आई हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। दोबारा फोन मत करना। यार अब्बू, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन अभी तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। ठीक है, कोई बात नहीं। रिया, यार वो जो कोई भी है ना, जिसने ये सब कुछ अरेंज किया है ना, आई एम रियली थैंकफुल टू हर और मे बी हिम, क्योंकि आज जो मुझे फील हुआ है वो मैं 7-8 साल पहले महसूस करती थी। मेरे लिए अपनी तारीफें बचा के रखो डार्लिंग, मुझे थैंक यू कहने के जिंदगी भर मौके देता रहूंगा। वो जिंदगी जो अब तुम मेरे साथ बिताने वाली। लेकिन आप तो जब से आपकी नानी के यहाँ आए हो आपने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं है। आपको ये खाना नहीं खाना है ना, तो कोई बात नहीं, नानी के घर तो कितनी सारी चीजें हैं, कपकेक्स है, बर्गर है, और मासी जो इतनी सारी कैंडीज लाई है वो कौन खाएगा? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे डैडा के पास आना है। सांता क्लॉस। कपड़े हैं जिसके लाल, लंबी सफेद दाढ़ी के बाल, आता है हर साल करने कमाल, बोलो कौन? सांता क्लॉस। देखिए देखिए देखिए, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज आप जाइए यहाँ से। सांता कुछ लेने नहीं, गिफ्ट देने आता है। बताओ यहाँ कौन है सबसे प्यारा बच्चा? ओ सांता क्लॉस, आइए आइए बैठिए ना। ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, कौन है ये? ये मेरा नाती है, ये तू। आज सांता का मूड है वाइल्ड, बोलो माय चाइल्ड, क्या चाहिए? सब मिलेगा। मुझे गिफ्ट में टॉयज नहीं चाहिए, बस आप मेरी मामा डैडा को हैप्पी कर दो और वो हमेशा खुश रहे। उनकी दोस्ती करा दो प्लीज। अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। इस साल की हर्क्यूलिन अनाउंस होने जा रही है और नाम अनाउंस करने के लिए मैं हमारे चीफ गेस्ट को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर वैभव कपूर। वैभव कपूर? मैं और मानव आज इसी की तो ऑफिस पार्टी में जाने वाले थे, ये यहाँ क्या कर रहे है? तुझे क्या लगता है, इतना बड़ा आदमी है पूरा क्रिसमस अपने ऑफिस वालों के साथ निकालेगा क्या? ऐसे लोगों को बहुत सारी पार्टीज में जाना पड़ता है। हाँ वो तो है। सर, थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं कंटेस्टेंट नंबर 8 के जीतने का वेट कर रही हूँ। कंटेस्टेंट नंबर 8? रिया, क्या यार, मैं कोई कंटेस्टेंट थोड़ी ना हूँ, वो तो मैं ऐसे ही तुक्के से स्टेज पे चली गई थी, मेरे जीतने का ना जीरो चांस है। आज की विनर जिनका नाम इस लिफाफे में है वो है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस मीका शर्मा। बेटा, मम्मा डैडा के बीच में सब ठीक है, तो छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। डैडा है? कौन डैडा? कैसे डैडा? किसका डैडा? हम किसी डैडा वडा को नहीं जानता है, हम तो क्रिसमस डैडा सेंटा है। हो हो हो। ओए। ओम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। बोलिए गणपति गजानंद भगवान की जय। वैसे अक्कू फाइनली तेरा सपना पूरा हो ही गया। मम्मी होती कितना मजा आता ना। करण मुझे पता है कि मम्मी को इस बंगलो से कितनी नफरत है। अगर वो यहाँ आती तो उनकी सारी बुरी यादें ताजा हो जाती। तुम दोनों जानते हो ना मम्मी को नहीं आ पाई हैं, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा है। और वैसे भी इस शुभ मौके पे ना अपना मूड अपसेट मत करो प्लीज। चलो अक्कू अब गृह प्रवेश करो। ये देख आ जाओ सब बैठो। वाकई में यार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बंगले में बचपन में हम किराए में रहते थे एक दिन अक्कू वो बंगला खरीद लेगी। अरे जीजू आपको मानना पड़ेगा आपने अक्कू का हर सपना सच कर दिया। मैं तो कब से कह रही थी इतना अच्छा बंगलो है ले लीजिए और फाइनली आप लोगों ने ले लिया। आज ही नया सूट पहना है झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। ये बंगलो बाहर से जितना ग्रैंड है ना अंदर से भी उतना ही होना चाहिए। मेरी फ्रेंड है इंटीरियर डिजाइनर उससे बात करती हूँ डिस्काउंट भी देगी बहुत करीबी है। अरे नहीं ऐसा मत करना बबली तुझे अपनी किसी भी करीबी दोस्त को फोन करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना मेरी एक दूर की बीवी है क्या नाम बताया था उसने अपना अभी आकांक्षा बाजपाई। हाँ आकांक्षा बाजपाई उसका ना इस मामले में टेस्ट मतलब बेहतरीन है। अरे वो तो हमारी मैडम का सरकारी क्वार्टर में मन नहीं लगा वरना देखते तुम लोग क्या डेकोरेशन करती है। अक्कू भोपाल वाले घर का तो ऐसा भन्नाट डेकोरेशन करती थी क्यों बाजपाई जी। क्या बात है देखा हमारी अक्कू का जादू ना मानव जी के सर चढ़ के बोल रहा है ना इंदर जी। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है ये बाप बेटे को ना बस पैसे बचाने हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत लं कृत्वा घृतं पिबेत। इसका अर्थ भी समझा दीजिए प्रभु। अर्थात जब भी जिएंगे सुख से जिएंगे उधार लेंगे और घी पिएंगे। जीजू मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर इस श्लोक का क्या लेना देना। साले साहब तुम तो जानते हो कि भगवान की कृपा से कितना बढ़िया बिजनेस है अपना। लेने को तो हम भी ऐसा बंगला ले सकते थे लेकिन क्या है ना हम तुम्हारे इन जीजू जैसे नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।